हमारे बीच में आज द राइट कन्वर्सेशन में है सुरेंद्र अंबरदास जी, जो कि एक्स एमएलसी, फॉर्मर एमएलसी हैं और कन्वीनर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशनशिप। आपने देखा, जैसे आपने वीडियो देखा होगा कि कैसे सुरेंद्र जी अपने स्टाफ के साथ आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे थे और मिठाइयाँ बांट रहे थे। इसी सिलसिले में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी। सुरेंद्र जी, हमें ये बताइए कि 75th इंडिपेंडेंस डे है और आप आज देख सकते हैं कि पूरे कश्मीर में ये मनाया गया और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेट सर्विस कंटिन्यू रही और पूरे कश्मीर में ये सेलिब्रेट किया गया, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, आप कह रहे हैं कि आज इंटरनेट बंद नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि आज फोन बंद नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर, सारे जम्मू और कश्मीर को तिरंगे में दुल्हन की तरह सजाया गया था और ये सब श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भारत का जो पार्लियामेंट है और उस पार्लियामेंट में जो निर्णय हुए हैं अब तक, उन निर्णयों को ये श्रेय जाता है, ये भारत के गृह मंत्री जी को ये श्रेय जाता है, जम्मू कश्मीर के जो एलजी सरकार है उनको श्रेय जाता है, हमारे संगठन का जो नेतृत्व है, हमारे जो अध्यक्ष हैं और हमारे जो संगठन महामंत्री अशोक कोल जी हैं, उन सबको ये श्रेय जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो एक 5 अगस्त को रिफॉर्म हुआ, 5 अगस्त 2019 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ही आधार बन गया है आज जो आप ये दृश्य देख रहे हैं। वो दृश्य इस कारण से हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी को इरेज किया गया है और अब सामान्य तौर पर जो 80% जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर घाटी के लोग, जो एक प्रकार से साइकोलॉजिकली होस्टेज रखे गए थे, वो अब आज अपने आप को आज़ाद फील करते हैं। इसलिए आप देख लीजिए कि आज कश्मीर का एक आम समाज, उन्होंने तिरंगे लहराए, घर घर तिरंगे लहराए, स्कूलों में तिरंगे लहराए। और एक बात और भी मैं आपको कहूँगा कि और भी आप खोज कीजिए कि जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज अपने ऑफिस में इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया, और वो उन्होंने नहीं मनाया भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त किसी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ने आज ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसको नहीं मनाया, पर कश्मीर के आम समाज में, उसमें जो कश्मीर में एम्प्लॉयज़ थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी थे, उन सब ने बढ़ चढ़ कर आज जो इंडिपेंडेंस डे मनाया है, इसका कहीं ना कहीं ये मैसेज सारे विश्व को जाएगा कि आज जो जिन लोगों ने कश्मीर पे एक साइकोलॉजिकली यहाँ बंदिशें रखी थी, वो बंदिशों से अब आज़ाद हो गए हैं। जी, जैसा कि कल हमने एक नेहरू पार्क से भी हमने एक नए कश्मीर की बात की और नए कश्मीर को लेके हमने एक रिपोर्ट भी वहाँ से दी, बहुत सारी खुशी हुई हमारे व्यूवर्स को देख के नया कश्मीर। साथ साथ ही ये बात बोलेंगे कि जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट की कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाली हैं, तो आपके हिसाब से ये इलेक्शंस कब होने के चांसेस हैं, कितनी जल्दी? देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल हैं, हम लोगों का मानना है कि अगर जो वर्स्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो होती है वो ऑटोक्रेसी से बहुत अच्छी होती है। जो भी पॉलिटिकल वर्कर होता है वो हमेशा चाहता है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट बने। भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और जम्मू कश्मीर में अगर हम सदस्यता के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा तो बड़े दिनों से ये मन है कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार बने, इलेक्शंस हो जाएं। उसमें हम भी अभी इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जब देता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये उनकी कॉल होगी कि वो फिर इलेक्शंस का डेट कब डिक्लेयर करते हैं। जी जी, सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कितनी सीट्स बीजेपी कश्मीर में निकाल पाएगी? अच्छा, बीजेपी कश्मीर में कितनी सीट्स निकल पाएगी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अभी क्या होता है कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक नई पार्टी है, तो ये भी हम मान सकते हैं कि
हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता हैं पर बड़े चेहरे नहीं हैं कश्मीर से। फिर भी मैं आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं कि कश्मीर में जिस तरह से पिछले पंचायत इलेक्शंस को लेकर, ब्लॉक चेयरमैन के इलेक्शंस को लेकर, डीडीसी इलेक्शंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाए हैं, इस बार अच्छी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में खाता खोलेगा। जी, जैसा कि हमें अभी देखा था कि अशोक गोयल जी और आप बारामूला में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स, मैसिव ज्वाइनिंग्स, ह्यूज ज्वाइनिंग्स हुई थी, और क्या आपको लगता है कि वो ज्वाइनिंग जो हुई है वो कन्वर्ट करेंगे वोटर्स को इलेक्शन के टाइम पे? देखिए, इलेक्शंस में बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, इलेक्शंस की जब रणनीति बनती है तो अभी इलेक्शंस मान सकते हैं कि थोड़ा दूर है, पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। कश्मीर सोसाइटी अब ये समझने लगी है कि अगर कश्मीर की तरक्की होनी है, जम्मू कश्मीर की तरक्की होनी है, जम्मू में तो पहले से ही हमारा जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा है, पर कश्मीर के आवाम भी आहिस्ता आहिस्ता समझता है कि वो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी तक खोखले वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, खोखले नारे दिए थे, अब कश्मीर में एक अवेयरनेस आ गई है, एक बेदारी आ गई है, वो सही और गलत में फ़र्क समझने लगे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अब लोग एक अच्छे लेवल पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में आपको और भी बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी संख्या में लोग जुड़ने को देखेंगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो अटैक्स हुए, चाहे रजौरी की बात करें, अनंतनाग में बात करें, बीजेपी वर्कर्स पे, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं कि आने वाले समय में ऐसे अटैक ना हो, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हुई हैं कि ये जो वर्कर्स हैं उन पे ऐसे अटैक ना हो? देखिए, यह जो 30 साल का दौर गुजरा है, इस 30 साल के दौर में कुछ इतने बड़े मिस्ट्रीज हैं अंदर, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं किसी सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ एंगेज थे। वो भ्रम टूट गया, वो कॉड टूट गई। 3 साल पहले अगर कश्मीर की चर्चा होती थी तो पहले हुर्रियत की चर्चा होती थी, अब आज के तारीख में आप देख लीजिए कि हुर्रियत की जो लीडरशिप है, सेपरेटिस्ट की जो लीडरशिप है, उनका एड्रेस नहीं है कहीं। तो जिस तरह से कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कंटिन्यूसली काम कर रहा है, और खासकर पिछले 2 साल से जो कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक लोगों की सेवा की। कहीं ना कहीं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, आप उनसे भी, उनका भी आंकड़ा ले लीजिए कि कोविड पीरियड में अपने समाज, अपने वर्कर्स की कितनी उन्होंने सेवा की। हालांकि हम ये मानते हैं कि हमारा वोट शेयर बढ़ गया है, पर बहुत इतना नहीं बढ़ गया है कि जहां दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम टक्कर दे सके। पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस उद्देश्य से काम कर रही है कि जम्मू कश्मीर का आवाम है, खासकर जो कश्मीर का आवाम है, ये हमारा आवाम है, ये पिछले 30 सालों में पिस गया है, और जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको और कमज़ोर करने में उनकी भी भूमिका रही है। तो हम मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा के भाव से काम करते हैं, तो वो भी यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक चैलेंज बना है, और साथ में जो अल्ट्राज हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके लिए भी एक ये चैलेंज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा एक वर्कर्स का क्लब यहाँ खड़ा करती है, तो उनका जो डिज़ाइन है, उनका जो मैलिशियस डिज़ाइन है कश्मीरी आवाम को तंग करने का, उनको छेड़ने का, उनको एक्सप्लॉइट करने का, उनको ब्लैकमेल करने का, उनको ड्रग्स में इन्वॉल्व करने का, उनको डराने का, तो वो कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उनको चैलेंज के रूप में देखते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक टारगेट है। पर आपने भी देखा होगा कि दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक शहीद हो गए हैं,
पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मल्टीप्लाई होता है और सुदृढ़ता से और काम करता है। इसलिए जो विदेशी शक्तियां हैं और जो यहां भी बहुत सारे पाकिस्तान और विदेशी एजेंटों के जो मोल्स हैं, उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए उसको टारगेट करते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल अमंग केपी कम्युनिटी में ये रहता है कि रिटर्न पॉलिसी को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट मीनाक्षी लेखी जी का भी आता है, और उसके बाद ये कम्युनिटी बड़ी रोष में आ जाती है इस चीज़ को लेके कि क्लियरिटी कहीं नहीं है रिटर्न पॉलिसी को लेके, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते आज जो कश्मीर में आम समाज का मूड बना है, कश्मीर का जो मुस्लिम मेजॉरिटी समाज है, आज वो ओपनली कश्मीरी पंडित के लिए उसको प्यार, उसको आदर, उसको वापसी के लिए कॉल दे रहा है। आज वो बाई नहीं है कश्मीर में जो 30 साल पहले था। तो इसलिए एक हमारा एक पक्षधर, एक फैक्टर वो खड़ा हो गया है जिसको हम ये मानते हैं कि वो हमारे विरोध में था जी। दूसरा कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस जाना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि कश्मीरी पंडित को वापस आना है, तो कश्मीरी पंडित भी चाहता है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, तो फिर मतभेद कहाँ है? मतभेद सिर्फ इस बात को लेकर होगा कि जो अभी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का ठीक से आकलन करने की ज़रूरत है, और जो फिर कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पे जो डायनेमिक्स है, जो डायमेंशनस हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वो सब फैक्टर्स थोड़ा ईज आउट हो जाएंगे तो कश्मीरी पंडित की वापसी को लेकर भारत सरकार, हम सब इनिशिएटिव ले लेंगे कि कश्मीरी पंडित जो पिछले 30 साल से एग्जाइल में हैं, तो उनकी वापसी की जो संभावना है उसको और कैसे नज़दीक बनाएं, उसको सुदृढ़ बनाएं। हम अभी अगर बात करें केपी यूथ की, जो यूथ है जो अपनी सैलरीज, बड़ी बड़ी सैलरीज, जो उनकी बहुत सारी लाखों में सैलरीज हैं, वो छोड़ के पीएम पैकेज में कश्मीर आते हैं, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि टीआर ने एक मुद्दा छेड़ा हुआ है, बहुत टाइम से इसके पीछे फॉलोअप ले रहे हैं, वो है SO-194 को लेकर, और आप उसके बारे में पूरा जानते हैं कि कितना सफ़र कर रहे हैं, और इवन बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी माइनॉरिटी सेल की तरफ से, जिन्होंने बोला था कि ये रिवोक होना चाहिए, लेकिन उसमें एक और ट्विस्ट आता है कि डबल बेंच जो है हाई कोर्ट का, वो ऑर्डर देता है कि 20 तारीख को इसका जब इसका रिजल्ट आएगा तब तक इनको एज इट इज सैलरी दी जाए, लेकिन कुछ डीडीओज ऐसे कर रहे हैं कि कुछ डीडीओज जो हैं वो मना कर रहे हैं सैलरी देने से, कुछ डीडीओज ने ऑर्डर माना और कुछ डीडीओज ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में ऐसा क्या इशू आ गया है कि ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? और आपको लगता है कि इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अगर इनिशियली यूथ अपनी इतनी सैलरी छोड़ के आ रहा है और उसके बाद उनके साथ ये सब हो रहा है, तो वो खुशी खुशी यहाँ आएंगे? देखिए, ये दो अलग कंपोनेंट्स हैं। जो आप 194 की बात कर रहे हैं, आप पार्टी ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है, उसके बाद अगर कहीं किसी भी हमारे एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है तो उनको मिलना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, तो ये कोई बड़ा गंभीर विषय नहीं है, उसको हम टेकअप करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी 194 आना ही नहीं चाहिए था, और 194 शायद कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कहीं किसी ऑफिसर ने कोई और कन्फ्यूजन करने का प्रयास किया हो, पर हमारे पार्टी का स्टैंड है कि 194 पर हमारी ऑब्जेक्शंस हैं, और हमने अपनी ऑब्जेक्शंस, पार्टी ने अपनी ऑब्जेक्शंस रजिस्टर की हैं, और मैं समझता हूं कि एलजी साहब बहुत ही बड़े कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत ही अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और अभी जो हमारे सेक्रेटरीट में भी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, तो उन्होंने भी इस इशू को लेकर एक्नॉलेजमेंट दी है, एक्सेप्टेंस दी है। सुनील जी, एक परसों ही आप एलजी साहब से मिलने गए थे
डिस्ट्रेस सेल एक्ट जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे, उन्हें पता लगे एग्जैक्टली वो क्या है, आप थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी डालें। देखिए, कश्मीरी जो हिंदू सिविलाइजेशन है, पंडित सिविलाइजेशन है, जब उनका मास एग्जोडस होता है उसके बाद 1996 में पहले असेंबली इलेक्शन होता है और 1997 में एक लेजिस्लेशन आता है, उसको माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रेस सेल एक्ट, रेस्ट्रेन ऑन डिस्ट्रेस सेल एक्ट के नाम से एक लेजिस्लेटर आता है, एक रूल बनता है, एक एक्ट आता है। उसमें चार पांच क्लासेस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक क्लास नंबर 3 में उसको हम कहते हैं एलिनेशन, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी की एलिनेशन कैसे हो सकती है, तो पूरा रूल दिया है उसमें। दूसरा के जो क्लास 5 है, क्लास 5 में ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी की भी प्रॉपर्टी कोई ज़बरदस्ती हड़प करता है तो इस एक्ट के 30 दिन के बाद ही जो डिप्टी कमिश्नर उस एरिया का है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको कश्मीरी जो डिसप्लेसड हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का कस्टोडियन बनाया गया था, तो एज ए कस्टोडियन विद इन 30 डेज वो सारी प्रॉपर्टी उसको उसके हद इख्तियार में आती हैं, तो वो उसका कस्टोडियन बनता है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी कारण से कोई ज़बरदस्ती इलीगली ऑक्यूपाई करता है तो उस सूरत में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वो फोर्स भी इस्तेमाल कर सकता है, इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग लॉ था। और अगर इसमें कुछ संशोधन करना था तो वो इसके क्लास 10 में है कि जो जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू मिनिस्टर, जिसके पास भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री के पावर्स होंगे, तो उस पावर्स को इस्तेमाल करके वो इस लॉ को कश्मीरी जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके हित में, ये इंटेंशन बड़ा क्लियर है उसमें कि उनके हित में कोई और लॉ में अमेंडमेंट कर सकता है। और इस प्रकार की जो टोटल रिफ्लेक्शन है वो क्लास 14 में है कि कोई भी लॉ जो अमेंडमेंट होगा उसका इंटेंट ये होगा कि वो जो लॉ है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। पिछले बहुत समय से 1997 के बाद अब तक हम ये मानते हैं कि इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में जम्मू कश्मीर की जितनी भी सरकारें थी वो बहुत ही सीरियस नहीं थी। इस विषय को मैंने अपर हाउस में बहुत सीरियसली एक दो बार डिबेट भी किया है, डिलीबरेट भी किया है, सेंसिटाइज भी किया है सरकार को। और उसके बाद जब यहाँ 5 अगस्त के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तो बड़ी बात यह है कि इस एक्ट को उसमें रखा गया है, इसको एबॉलिश नहीं किया गया। तो इस जो ये एक्ट था ये एग्जीक्यूशन में नहीं था, तो पिछले बड़े मतलब 1-2 साल से हम इस पर परस्यू कर रहे थे सरकार के साथ, और फॉर्चुनेटली परसों ही सरकार ने इसके एक अमेंडमेंट, एक नया रूल क्या था कि उसमें जो सेक्शन 5 था उसको और पावरफुल बनाया। ये 53JK एक्ट के ऑर्डर के नाम से आया है, तो उसमें ये सुविधा रहेगी। उसमें कुछ क्लासेस, सब क्लासेस नए आ गए हैं। उसमें एक तो ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ रिहैबिलिटेशन है वो एक पोर्टल बनाएगा, और कश्मीरी हिंदू पंडित जिनकी भी कोई कंप्लेंट ग्रीवेंस होगी विजा विज जो उनके लैंड की एनक्रोचमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो किसी इंडिविजुअल ने एनक्रोच की है या किसी सरकारी इदारे ने की है, तो वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब अपने डिस्ट्रिक्ट के कस्टोडियन ऑफिसर से 15 दिन में एक रिपोर्ट मांगी। एक फास्ट ट्रैक में ये सब काम होने वाला है। इंटेंट ये है इसकी मॉडिफिकेशन का, और हम समझते हैं इस एक्ट के आने से जो जो कश्मीरी जो
पंडित समाज है जो उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उनका राइट था डिस्ट्रिक्ट सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में, उस पे एग्जीक्यूशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, दैट लॉ विल बी एनफोर्स्ड बाय नाउ। ये इस जो नया ऑर्डर है उसका सेपरेट है। हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे यूटी बनने के बाद जो स्टेट में जम्मू कश्मीर की बात करें, यूटी की बात करें, तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको लगता है कि बहुत फास्ट काम हो रहा है उनमें प्रोजेक्ट्स में? देखिए, डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट में आपको दो तीन चीज़ें समझनी होगी। एक तो ये समझना होगा कि अभी एक सरकार के तरफ से एक ऑर्डर आया है कि 2018 से लेकर अब तक अभी तक जो 45 ऐसे मुलाजिम काम कर रहे थे जो वास्तव में मुलाजिम ही नहीं थे, पर सैलरीज ले रहे थे। दूसरा आपको समझना है कि शायद वो नंबर इतना ही नहीं है, उस नंबर पे और भी कि जम्मू कश्मीर में हमारे पास 21 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स थे, उन 21 में अभी 2 फंक्शनल है, 19 गायब है। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये भी समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर बैंक ने कितने लोन्स दिए थे और कितने लोन्स एनपीए हुए और क्यों हुए। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक और बड़ी बात आपने समझनी चाहिए कि पिछले 70 सालों से जो जम्मू कश्मीर में सब्सिडी मिली है, उस सब्सिडी से कितने लोगों ने अपने कारोबार खड़े कर दिए। अगर आप देख लेंगे तो सब्सिडी के कारण से किसी ने कारोबार अपना खड़ा नहीं किया है। यहाँ एक मिली भगत होती थी कि क्लाइंट और अफसर उस सब्सिडी को खाते थे और काम कोई खड़ा नहीं होता था। जब तक न इन वो जो ऑफिसर उस माइंडसेट से काम करते थे, उनका माइंडसेट बदलता है, तब तक आप ये नहीं मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो फ्लोरिश होंगी। ये होते हुए भी, ये मानते हुए भी कि बहुत सारे अफसर अभी भी उसी माइंडसेट से काम कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से जो बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत ही ठीक डायरेक्शन में और सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आपने अभी एक बात बोली, करप्शन की बात बोली, बहुत ज़रूरी इस पे बात करना है कि अभी जैसे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो एम्प्लॉयज़ थे ही नहीं, उनके नाम पे सैलरीज निकलती हैं, निकल रही थी, तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा अंदर से इतना बड़ा ये स्कैंडल की तरह होगा और अभी और भी चीज़ें सामने आने वाली आने वाले दिनों में? जी डेफिनेटली, आप ये देख लीजिए कि कश्मीर बहुत एक नेक्सस में फंसा था और ये भी एक व्यवस्था थी, एक कंपल्शन था। एक तो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था कि धारा 370 और 35E को इरेज करें। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी था कि कश्मीर सोसाइटी को जो एक माफिया कहेंगे आप, नेक्सस कहेंगे, इन नेक्सस ग्रुपों ने एक प्रकार से एक गुमराही के मोड में डाला था, वो उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके जो अपना काम था, जो हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करके और लोगों को इमोशनलाइज करके जो लूटने का काम करते थे, अब धारा 370 समाप्त होने के बाद जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है वो बड़ा कीन है कि जो पिछले 70 सालों में हुआ उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करें, उन सबको ठीक से मॉनिटर करें और फिर एक नई फाउंडेशन, डेवलपमेंटल फाउंडेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक नई फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है। उसमें हम मानते हैं कि एक सही दिशा में एक तैयारी हो रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स बात करते हैं, 5 अगस्त की बात करें तो उस टाइम पे ये बात करते हैं कि क्या खोया क्या पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको ये बात करनी चाहिए कि क्या पाया, क्योंकि आप देख सकते हैं
कि करप्शन के केसेस कितने सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ आफ्टर आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप सरकार को साथ दें, उनके काम में साथ दें और जो उन्होंने पाया है उसे ज़्यादातर दिखाएं, क्योंकि आप हमेशा हाईलाइट करते हैं क्या खोया क्या खोया, खोया जितना है उससे ज़्यादा पाया है। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि आप उन पर भी काम करें, उन चीज़ों को सामने लाएँ। आप देखते रहिए द राइट न्यूज़। SM कैमरामैन SM के साथ मैं रोहित भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद रोहित जी, थैंक यू।